ये जो पोटली है ना, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व है हमारे प्लांट्स के लिए, और इसे एक दिन पानी में भिगा कर रख लेना है और अपने सभी प्लांट्स को दे देना है। यह जो फर्टिलाइजर है ना, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका यूज़ आप करके जरूर देखिए अपने प्लांट्स में, इसका फायदा आपके प्लांट्स को जरूर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब बहुत अधिक बारिश होती है तो बहुत अधिक बारिश होने के कारण हमारा जो प्लांट है ना, बहुत अधिक कमज़ोर हो जाता है। तो अगर आप इस लिक्विड को अपने प्लांट्स पर डाल लेते हैं ना, तो आपका प्लांट जो है वो कभी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए हमारा जो विनका का प्लांट है ना, जो हाईब्रिड विनका है ना फ्रेंड्स, बहुत जल्दी ख़राब होता है और इनकी पत्तियाँ इस तरह से पीली पड़ती जाती है और धीरे धीरे पूरा जो प्लांट है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो इस लिक्विड को अगर आप अपने डाल लेते हैं अपने विनका के प्लांट में, तो आपका जो विनका का प्लांट है ना, वो कभी ख़राब नहीं होगा। और ये सभी प्लांट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है फ्रेंड्स, चाहे वो आपके आउटडोर हो, इनडोर हो, चाहे वो फलों वाले हो, सब्जी वाले हो, सभी प्लांट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है यह जो फर्टिलाइज़र है। अगर आपके प्लांट्स में फूलों का साइज़ बिल्कुल छोटा छोटा आ रहा है या फिर बर्ड्स आते हैं, झड़ जाते हैं, तो इस लिक्विड का यूज़ अगर आप अपने प्लांट्स पर करेंगे ना, तो आपकी जो ये फ्लावर नहीं आने वाली समस्या है, बर्ड्स आते हैं और झड़ जाते वाली समस्या है, ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही फायदेमंद है फ्रेंड्स, ये जो लिक्विड है हमारे प्लांट्स के लिए, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं जो हमारे सभी प्लांट्स को चाहिए। हमारा प्लांट जो है ना, वो एक ही तरह की मिट्टी में लगा रहता है, तो इस मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए, इस मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए इस खाद का यूज़ करके आप ज़रूर देखें। क्योंकि जब हमारा प्लांट एक ही तरह की मिट्टी में लगा रहता है ना, तो इसकी उर्वरक क्षमता जो है ना, वो बिल्कुल कम होती जाती है। क्योंकि हमारा प्लांट जो है ना, वो हर बार लगातार फ्लावरिंग करते रहता है जिसके कारण हमारे प्लांट्स की मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो कम होती जाती है। या फिर बहुत अधिक बारिश जब होती है ना, तो हमारे प्लांट्स की जो मिट्टी है ना, वो बह जाती है, और बह जाने के कारण हमारा प्लांट्स की जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो इस खाद डालने के बाद आपके प्लांट्स की मिट्टी की उर्वरक क्षमता बिल्कुल बढ़ जाएगी। आपका मिट्टी, प्लांट्स की मिट्टी है ना, जो है ना, पूरी तरह से रिचार्ज हो जाएगा। ये बिल्कुल होममेड है फ्रेंड्स, इसे बनाकर जरूर अपने प्लांट्स पर डालें। तो देखिए मेरा अपराजिता का प्लांट है ना, वो 5 इंच के पॉट में लगा हुआ है, लेकिन इसमें इतनी हैवी फ्लावरिंग हो रही है ना, देखिए आप इतने सारे फूल इसमें आए हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने कौन सा खाद डाला था, कौन सा फर्टिलाइज़र डाला था, ये वाला जो है ना, इसका वीडियो मेरे चैनल में है, इसको आप देख सकते हैं। इस खाद को बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप घर पर आसानी से बनाकर अपने प्लांट्स पर डाल सकते हैं। तो देखिए हमें इस तरह से एक कॉटन का कपड़ा ले लेना है, तो हमें गोबर का खाद ले लेना है। जब गोबर पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाता है ना, तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, ये काले कलर का हो जाता है। तो देखिए ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो चुका है और इसे हमें ले लेना है। गोबर की खाद में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं जो हमारे प्लांट्स को चाहिए। अगर इसका यूज़ अगर आप अपने प्लांट्स पर कर लेते हैं ना, तो आपका प्लांट जो है बहुत हैवी फ्लावरिंग करेगा। तो देखिए हमें क्या करना है, इसको कपड़े से बांधकर एक पोटली बना लेना है। इस तरह से इसका पोटली बना लेना है और इसको 1 लीटर पानी में भिगा कर रख देना है और इसको 4 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो मैं पहले से ही इस तरह का फर्टिलाइज़र बनाकर रख लेती हूँ और 4 दिन हो चुका है और पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और जो ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है ना, पूरी तरह से पोषक तत्व है। इसमें पूरी तरह से पोषक तत्व है जो हमारे प्लांट्स को चाहिए। तो देखिए इस तरह से आप पोटली बनाकर अपने प्लांट्स के लिए जो हमारे प्लांट्स में कमी है ना, पोषक तत्व की कमी को पूरा कर सकते हैं। और जो गोबर का खाद है ना फ्रेंड्स, हमारे प्लांट्स के लिए इतना फ़ायदेमंद है ना, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व है जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका यूज़ करके आप ज़रूर देखें। तो देखिए हमने इस फर्टिलाइज़र को 4 दिन के लिए रखा था, तो इसमें हमें 4 गुना पानी मिलाना है और 4 गुना पानी मिलाने के बाद ही अपने प्लांट्स को देना है। क्योंकि जो फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होता है ना फ्रेंड्स, बहुत ही गाढ़ा होता है, तो इसको हमें इस तरह से पानी मिलाकर बिल्कुल पतला कर लेना है। तो देखिए अगर आप 1 दिन के लिए रखते हैं ना कोई भी फर्टिलाइज़र फार्मेट होने के लिए, तो उसमें आपको 1 लीटर पानी मिलाना है। अगर आप 4 दिन के लिए रखते हैं, तो उसमें आपको 4 लीटर पानी मिलाना होगा। तो हमने इसको 4 दिन के लिए रखा था, तो इसमें हमें 4 लीटर पानी मिलाना है। तो देखिए इस तरह से जब हम पोटली बनाकर फर्टिलाइज़र बनाते हैं ना, तो उसको हमें छानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें इसमें एक चीज़ और मिलाना है जो हमारे इस लिक्विड को बहुत अधिक पावरफुल बना देगा, बहुत अधिक शक्तिशाली बना देगा। ये है DAP, और DAP जो होता है ना, हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाता है, हमारे प्लांट्स की जड़ को मजबूत बनाता है। तो देखिए ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसका यूज़ आप ज़रूर करें अब गार्डनिंग में। तो हमें इसे मिला लेना है, तो देखिए ये 1/2 चम्मच से भी कम होगा, तो इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो DAP होता है ना, वो जल्दी से घुल, तो हमें क्या करना है, इसको जो DAP है जो है ना, अच्छे से घुल जाए, इसके लिए हमें इसे 1/2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है।
तो आधा घंटा हो चुका है और जो डीएपी है ना वो पूरी तरह से पानी में घुल चुका है और ये हमारे प्लांट्स को देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखिए ये जो फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है पूरी तरह से पोषक तत्वों से भरपूर है। तो आप ना डीएपी का यूज़ ज़रूर करें अपने प्लांट्स पर। अगर आपके प्लांट्स की ग्रोथ रुक गई है, बर्ड्स नहीं आ रहे हैं, फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो डीएपी जो है ना वो बहुत अच्छा काम करता है फ्रेंड्स हमारे प्लांट्स में। तो इसका यूज़ करके आप ज़रूर देखें। और जो गोबर का खाद है ना वो हमारे सभी प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसका यूज़ आप ज़रूर करें अपने प्लांट्स पर। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ना आप अपने गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, हरसिंगार सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। तो हमारी इधर ना बहुत अधिक बारिश हो रही है और मेरी प्लांट्स की मिट्टी हमेशा गीली सी रहती है। तो आपको क्या करना है, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को सूखी मिट्टी में बिल्कुल नहीं डालना है। प्लांट्स की मिट्टी ना हल्की सी नमी होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट्स पर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने प्लांट्स की मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है और उसके बाद इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट्स पर करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, गुड़ाई करने के बहुत फ़ायदे होते हैं आपके प्लांट्स को। गुड़ाई करने मात्र से ही आपके बहुत सारे जो समस्या है आपके प्लांट्स की, कीड़े मकोड़े और फंगस वाली समस्या है, वो गुड़ाई मात्र कर देने से ही ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसका यूज़ करके आप ज़रूर देखिए, इसका रिज़ल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।